हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशो। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशोज को। a1/a2, b1/b2, c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है कि किस तरह की जो पेयर्स हैं आपके, कौन से जो पेयर्स हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड्स के अंदर कि किस तरह की इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनेटली सॉल्यूशंस हो। और पैरेलल लाइंस के केस में क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, तो किस तरह के पेयर्स होता है आपका, इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमने इसे लिखा 3x + 2y, क्योंकि 5 आपका राइट साइड है, हम इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं, -5 = 0। इसी तरीके से 2x - 3y और -7 = 0 हमने लिख लिया। तो हमें क्या चेक करना होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये आपको चेक करके लिखना होता है। तो ये हो गया आपका a1/a2 कितना है 3/2 और b1/b2, क्योंकि x का कोफिशियंट आपका फर्स्ट इक्वेशन का a1 होता है और सेकंड का जो x का कोफिशियंट होता है आपका a2 होता है। इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपका 2 जो कि y का कोफिशियंट है और यहाँ से b2 यानी कि जो आपका y का कोफिशियंट है कितना, -3 है। तो ये कितना बचा आपका 2 और -3। और ऐसे ही c1/c2, मतलब फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं पहले, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर कितना है -5/, ये आया आपका -7। ये कौन सा होता है, आपकी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होती है, ये कट गया आपका। तो ये बचा आपका फर्स्ट a1/a2 3/2 और ये वाला क्योंकि आपका नेगेटिव साइन है कितना हो जाता है -2/3। लेकिन आप देखते हो फर्स्ट ही पेयर आपका इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि आपका कैसा पेयर बनेगा, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो आपका केस किस तरह का बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट केस का आपका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपके एक्स के कोफिशियंट हैं वो आपका a1 है, सेकंड में एक्स का कोफिशियंट a2 है, वाई का फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका जो कोफिशियंट है आपका वाई का b1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है वाई का कोफिशियंट आपका b2 है। फर्स्ट इक्वेशन का कॉन्स्टेंट c1 है और सेकंड इक्वेशन का कॉन्स्टेंट आपका c2 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बार बार फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही बार हमने कर लिया है, बार बार फिर से लिख देंगे सिर्फ। अब इसको अगर हम ठीक से करके लिखते हैं, यानी कि एक तरफ कर लेते हैं c1 c2 को भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कितना हो जाएगा आपका -7 = 0, ये आपका हो जाएगा 4x - 6y -9 = 0। हमने क्या लिखा, a1/a2, b1/b2 और लिख लिया आपका c1/c2, ये आपका हो गया स्टूडेंट 2/4 और ये आपका या -3 - 6 और कॉन्स्टेंट आपका -7 - 9 है, ये कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन यहाँ से, ये कितना आ गया आपका 1/2, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1/2। तो आपने देखा फर्स्ट टू पेयर्स आपके इक्वल आ रहे हैं, 1/2 = 1/2, बट जो आपका पहला पेयर आपने चेक कर लिया क्योंकि इक्वल है, तो तीसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा आपका इक्वल है नहीं। तो ये किस तरह का आपके जो इक्वेशन है किस तरह की बनती है, पैरेलल लाइंस की बनती है, और पैरेलल लाइंस में क्योंकि आपका सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि आपका किस तरह का होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपका कैसा बनता है, इनकंसिस्टेंट बनता है, क्योंकि आपका कैसा है, नो सॉल्यूशन है, तो आपका पेयर किस तरह का बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो स्टूडेंट आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के अंदर भी आपका क्योंकि 7 दूसरी तरफ है कॉन्स्टेंट, तो हम एक तरफ कर लेते हैं इसको, लेफ्ट साइड में अरेंज कर लेते हैं c1 और c2 की वैल्यूज के लिए आपको दिक्कत ना हो, -7 = 0 और आपका है 9x - 10y। अब क्योंकि वैल्यूज फ्रैक्शन में है, स्टूडेंट बहुत सारी जो इसमें गड़बड़ कर देते हैं कई बार, तो ये आपने a1/a2 लिखा = यहाँ पे b1/b2 लिखा = आपने यहाँ पे c1/c2 लिखा, तो ये आपका हो गया c2, ये भी लिख लीजिए = तो ये आपका कितना है 3/2/9। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाके 9 ही कर देंगे, या फिर इस 2 को यहाँ पे इधर ले जाके मल्टीप्लाई, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं। इसमें कई बार गलती होती है, वो मिस्टेक हो जाती है, लिखते टाइम भी हो जाती है। तो ये कितना लिखा आपने, इसका है कोफिशियंट वाई का कोफिशियंट लिखते हैं b1 फर्स्ट इक्वेशन से, ये है, और नीचे कितना है -10/1 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दो फ्रैक्शन हो गई, ये एक फ्रैक्शन ये एक फ्रैक्शन, ये आप लोअर क्लासेज में सीख चुके हैं इनको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि दोनों ये आपके
बिल्कुल सिंपल थे, फ्रैक्शन में नहीं थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा रिवर्स। दूसरा है आपका 5/3, ये भी ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा था ये आपका कैंसिल होगा, कितना आ गया 1/2, ये आपका C1/C2 निकला है। ये बिल्कुल अलग से आपने इसको यहाँ कर दिया, ये आपका कैंसिल होगा, कितना आएगा अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट जो आपका A1/A2 कितना बचा आपका यहाँ से 1/6, और B1/B2 आपका कितना बचा इसको भी देख लीजिए सोल्व करके, ये कितना आया 5 × 10 पे गया, नेगेटिव साइन बच रहा है आपका, और नीचे कितना बचता है 3 × 6 बचता है। तो आपने देखा कि A1/A2 1/6 है और B1/B2 आपका कितना है माइनस 1/6, यानी कि ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, इसे थोड़ा सा हटा लीजिए क्योंकि आप सोल्व कर चुके हैं, इसे आप हटा सकते हैं यहाँ से, पोज करके आप अगर अपनी रफ नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो आपका आया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा बनता है आपका, क्योंकि हम फर्स्ट केस डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार, क्योंकि जब आपका इक्वल नहीं आता इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, तो आपका किस तरह का बनेगा, ये आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, इसमें भी आपका क्या है, यहाँ से 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपका आया माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लिख लिए, इनको आपको चेक करना है। फर्स्ट आपका आया 5/-10, दूसरा आपका आता है माइनस का 3/6, और C1/C2 आता है आपका 11/22। फर्स्ट को कैंसिल किया आपका आया -1/2, दूसरे को करते हैं तो ये भी कितना आता है माइनस का 1/2, इसको भी कैंसिल करके लिखते हैं कितना आता है माइनस का 1/2। अब आपने देखा फर्स्ट वाला भी कितना आया माइनस का 1/2, सेकेंड पेयर क्योंकि दोनों पेयर अगर इक्वल हो चुके हैं तीसरे को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तीसरा भी कितना आया आपका माइनस का 1/2। मतलब अगर तीनों ही इक्वल हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये किस तरह का होता है आपका, ये किस तरह का पेयर बनता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का बनता है। किस तरह का होता है ये केस आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इस वाले केस में आपका किस तरह का बनता है स्टूडेंट, ये आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बनता है। और इसकी इक्वेशन जो आपकी ग्राफ पे बनाते हैं किस तरह की बनती है, अगर एक लाइन इस तरह से आई है तो दूसरी लाइन भी इसे कवर करते हुए निकलती है, आप ग्राफिकल मेथड्स में एक बार सीख चुके हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, कंसिस्टेंट आएगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर स्टूडेंट आपका ये आपकी इक्वेशन दी हुई है 4/3, इसको भी थोड़ा सा आप क्या करेंगे, 8 को एक तरफ कर लीजिए, 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा आपका 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, इसे भी आपको सोल्व करना है, और फिर आप निकालेंगे C1/C2। A1/A2 कितना हो जाएगा आपका 4/3, क्योंकि x का कोफिशियंट है, इसको हमने 2 था x का कोफिशियंट, A2 यहाँ से, तो इसको 2/1 लिख लिया। B1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, क्योंकि y का कोफिशियंट फर्स्ट में 2 है और सेकंड में कितना है 3, कॉन्स्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में -8 और सेकंड में कितना -12, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचता है 2/4 जा पे गया, और ये कितना पे गया 2/3 पे गया। अगर हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो 4/3 और ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा कितना 1/2, कैंसिल किया कितना आया यहाँ से 2/3 आता है, और आपने देखा सेकेंड वाला भी 2/3 आता है, ये कितना था 4/2 = 8 था, 4/3 = 12 था, तो सेकंड भी आपका 2/3 आता है, और थर्ड भी आपने चेक किया ये भी आपका 2/3 आता है। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 है। इसका मतलब अगर तीनों इक्वल आते हैं तो आपका किस तरह का बनता है स्टूडेंट, ये आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, क्योंकि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह का पेयर होता है आपका, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और ये किस तरह का पेयर आता है आपका, कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बार चेक करते हैं ग्राफिकल मेथड्स को, तो उसमें मैंने इसको काफ़ी क्लियर करके बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कोफिशिएंट्स वगैरह सभी एकदम क्लियर कर दिए थे, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।